ब्राह्मण एकता दिवस पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार दुबे ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम के चलचित्र पर पुष्प अर्पित कर और सभी ब्राह्मणों ने पुष्प चढ़ाकर माला अर्पण कर कहा, प्रदेश में ब्राह्मण एक मंच पर आना चाहिए। हर पार्टी चुनाव के समय ब्राह्मणों को चेहरा बनाती है और चुनाव होने के बाद किनारा कर देती है। इस मौके पर देवकी नंदन दुबे और मुन्ना पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल विनोद कुमार दुबे और पप्पू कांग्रेस सेवा दल जिला महामंत्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी रामू अग्निहोत्री वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। नमन करते हुए मैं आप जनता को ही नहीं हिंदुस्तान की तमाम जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं हमारे मनीषियों ने भी कहा परम ब्राह्मण विगत ही ब्रह्मचारी से स्थितम मना संयम मच्चित्तो युक्त आशीष मत परा ब्रह्म में विचरण करने वाला ही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। आज तरह तरह की पार्टियां हर तरह के लोग केवल इस देश में ब्राह्मणों के अपमान के लिए ही तुली हुई है। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक कि ब्राह्मण और ब्राह्मण के ब्राह्मण जाति की महिलाओं तक का अपमान किया जा रहा है। आज की तारीख में सुबह देख रहा था विष्णुपाल से जुड़ी हुई वो तो जो उन्होंने गुनाह किया वो तो चले गए, उसकी बेटी के ऊपर जो एक नाबालिग थी उसके ऊपर अत्याचार और जुल्म डाले जा रहे। ब्राह्मण इस चीज को खराब बर्दाश्त नहीं करे, ब्राह्मण को एक होना चाहिए और सार्वजनिक मंच से ये आवाज उठानी चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेगा उसको कदापि ब्राह्मण नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? विनोद कुमार दुबे जिला उपाध्यक्ष कन्नौज कांग्रेस। आज ब्राह्मण दिवस के रूप में हम लोग एकत्र हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश में जो भी पार्टियां सत्ता में हैं वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को पीछे करके अन्य लोगों को बढ़ावा दे रही हैं और जब चुनाव आता है उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी की बैसाखी लेकर ये लोग मैदान में आते हैं और ब्राह्मणों को लुभाने का पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद उनको धुतकार दिया जाता है। आज ब्राह्मण सबसे नीचे की सीढ़ी में आ गया है।